हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे एम एस वर्ड। अगली वीडियो हम लोग एम एस वर्ड के बारे में बताए थे। आज हम एम एस वर्ड स्क्रीन के बारे में, मतलब स्क्रीन पर एम एस वर्ड दिखता कैसा है, एम एस वर्ड दिखता कैसा है वो उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर हमारा एम एस वर्ड फाइल खुलकर ओपन हो जाती है और इस तरह ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट और यहाँ पे डेट और टाइम होता है। डेट और टाइम होता है। यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं और यहाँ पे हमारा जो होता है एम एस वर्ड, वर्ड एम एस वर्ड। अब हम लोग इसकी भी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार होता क्या है? टाइटल बार होता है इट सो द नेम, द नेम, नेम ऑफ द, नेम ऑफ द फाइल, फाइल यू आर, यू आर वर्किंग, वर्किंग इन। क्या होता है यह जो प्रोग्राम होता है, यह सबसे टाइटल बार जो होता है सबसे ऊपरी भाग पर होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है और यह दिखाता है किस प्रोग्राम का नाम दिखाता है, जिस प्रोग्राम को हम लोग ओपन करते हैं उस प्रोग्राम का नाम दिखाता है और उस प्रोग्राम के नाम के साथ तीन बटने दिखाती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब होता है उसको क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल होती है यह बंद नहीं होती है, यह हमारा टास्क बार सबसे निचली सतह पर आ जाता है, टास्क बार पर आ जाता है। और मैक्सिमाइज से हम लोग छोटा और बड़ा करते हैं, मैक्सिमाइज से हम लोग छोटा और बड़ा करते हैं और फाइल को बंद करने का काम क्लोज बटन करती है। और इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा हमारा ऑप्शन होता है मेनू बार। क्या होता है? मेनू बार। तो मेनू बार में कौन कौन सी मेनू होते हैं? फाइल होती है, फाइल होती है, दूसरी हमारी होती है होम, दूसरी हमारी होती है होम, तीसरी होती है इंसर्ट, इंसर्ट, चौथी होती है पेज लेआउट, पेज ले लेआउट, पेज लेआउट। इसके बाद होता है रिस्टार्ट, रिट्रेंस, रिट्रेंस। इसके बाद हमारा होता है मेनी, मेनी। इसके बाद हमारा होता है रिव्यू, रिव्यू। और इसके बाद होता है एक हमारा व्यू, हमारा क्या होता है? व्यू होता है। ये सारे मेनू होते हैं जिसके सतह से हम लोग अपनी फाइलों को कंट्रोल करते हैं, मतलब फाइल मेनू। इसके अंदर सभी कमांड मौजूद होते हैं।
हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सभी कमांड मौजूद होते हैं। और होम में भी मतलब मेनू बार एक ऐसा बार होता है जिसके अंदर टोटली प्रोग्राम के एमएस वर्ड के सारे प्रोग्राम के कमांड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, कमांड मौजूद होते हैं। अब मेनू बार होता क्या है, मेनू बार हमारा होता क्या है, मेनू बार, मेनू बार, मेनू बार देखो इट कंसेप्ट, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स वेरियंस, वेरियंस ऑफ ऑप्शन, ऑप्शंस यूज, यूज फॉर, फॉर वर्किंग, फॉर वर्किंग, वर्किंग इन फाइल, इन ए फाइल, फाइल। यह जो होता है मेनू बार जो होता है, यह एक प्रकार का ऑप्शन सिस्टम होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, कमांड मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, कमांड मौजूद होते हैं। इन कमांडों के जरिए जो फाइल में उपयोगी वस्तुएं होती हैं, जो फाइल में उपयोगी वस्तुएं होती हैं, उनको लाने के लिए हम लोग करते हैं, उनको लाने के लिए करते हैं। अब इसके बाद हमारा है, इसके बाद हमारा है टूल बार, इसके बाद हमारा क्या है, टूल बार। टूल बार का उपयोग किस लिए किया जाता है, टूल बार, टूल बार, टूल बार जो होता है, यह एक बटन होती है, मतलब स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग पर, यहां पर सबसे ऊपरी भाग पर, यहां पर वह चीजें दिखाती हैं जिस फाइल को हम लोग खोलेंगे उस फाइल का पूरा फंक्शन यहां पर दिखाने लगता है। यहां जो होता है तीसरा ऑप्शन, वो हमको दिखाने लगता है, और वो उसके जरिए हम लोग किसी भी फ्रंट या फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के अंदर के जितने कमांड होते हैं, फाइल के अंदर के जितने कमांड होते हैं, वह सारे ऑप्शन जो होते हैं यहाँ मेन टूल बार में यहाँ पे दिखाने लगते हैं, और वह दिखाने लगते हैं, और दिखाने के साथ साथ जो हम लोग वर्क करते हैं उस वर्क के हिसाब से इस टूल बार के अनुसार अपने पेज पर उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, उस चीज को हम लोग अपने पेज पर ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो टूल बार क्या नाम, टूल बार हम इट कन, इट कंसेंट, कंसेंट स्मॉल, स्मॉल बटन, स्मॉल बटन दैट, दैट आर शॉर्ट, दैट आर, दैट आर शॉर्ट कट, शॉर्ट कट टू, शॉर्टकट टू द ऑप्शन, ऑप्शंस, ऑप्शंस ऑफ द, ऑफ द मेनू बार। अब यहां पे बोल रहा है कि यह जो होते हैं यह छोटे होते हैं, क्या होते हैं इसकी बटन क्या होती है, छोटी होती है, और यह दैट वह शॉर्ट, शॉर्ट कट टू द ऑप्शन ऑफ द मेनू बार, यह जो होते हैं छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं जो हम लोग शॉर्ट अपने हिसाब के अनुसार जिस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं, जिस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं, उस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए हम लोग इस फाइलों पर, मेनू बार पर क्लिक करेंगे, और जो टूल बार पर हमारे मेनू दिखेंगे उसके हिसाब से हम लोग अपने पेज पर उस चीज को लाते हैं। अब इसके बाद हमारा है रूलर, इसके बाद हमारा क्या है, रूलर,
रूलर है, तो रूलर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? रूलर जो होता है यह पेज को छोटे बड़े आकृतियों में दिखाता है। यह जो होता है इसका काम हम लोग रूलर, यह होता है टू रूलर। इस पेज पर जो होते हैं दो दो रूलर दिखाते हैं, कितने आप दिखाते हैं वर्क करने के लिए, दो रूलर दिखाते हैं। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। क्या होता है रूलर? रूलर रूलर जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू रूलर। पहला जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, एंड दूसरा होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर हॉरिजॉन्टल रूलर सोज पेज विड्थ विथ एंड पोजीशन ऑफ टैब्स कॉलम्स ईटीसी और वर्टिकल जो होता है वर्टिकल रूलर सो दैट लेंथ, क्या होता है लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ये जो होता है यहां पे छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाता है, इस तरह से दिखाता है। और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखा हुआ होता है। और यहां पर भी वही काम होता है, यहां पर भी एक छोटा रूलर दिखाता है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से छोटे छोटे रूलर दिखाते हैं। इनका काम होता है साइज, पेज की साइज को सेट करना, पेज की साइज को सेट करना। जैसे हम लोग अगर अप से करेंगे तो इसकी पेज की साइज क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी, और इधर से नीचे से करना चाहेंगे तो नीचे से होगी। मतलब जितना बड़ा हम लोग पेज लेना चाहते हैं उतने बड़े अपने हिसाब से लिखने की यहाँ उस पेज को सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम लोग अपनी फाइल को तैयार करते हैं, अपनी फाइल को क्या करते हैं तैयार करते हैं। और जो तैयार करते हैं तो पेज को पहले सेट करके तभी करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं। या किसी चीजों में होता है लेकिन उस पेज पर कोई ध्यान नहीं देता है और उस पेज पर लिखना शुरू कर देता है। पहले हम लोग पेज की साइज को सेट कर लेते हैं और बाद में उसको अपना डॉक्यूमेंट या जो भी चीजें बनानी होती हैं उसको तब जाके तैयार करना चाहिए। अब इसके बाद आता है वर्क स्पेस। वर्क क्या होता है? वर्क स्पेस जो होता है
यह एरिया को सेट करने के लिए होता है, मतलब कितने हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लिखने की दूरी। जैसे यहां पे हमारा है वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस एक ऐसा वर्ड प्रोग्राम में बटन होती है, आप बटन बोलते हो या तो उसके हिसाब से जो भी चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसे उस पेज की दूरियां, मतलब जैसे कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं इनके बीच की जो दूरियां होती हैं उसको सेट करने के लिए। मान लो अगर दूरियां हमारी सेम बराबर होनी चाहिए ना, इस बीच की दूरियों को सेट करने के लिए हम लोग वर्क स्पेस का प्रयोग करते हैं। वर्क स्पेस इट इज द एरिया वेयर यू टाइप टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, इट इज द एरिया वेयर यू टाइप टेस्ट insert pictures and table। क्या होता है, इसमें हम लोग किसी भी टेस्ट की साइज को इंसर्ट करने के लिए, जैसे हम बता रहे हैं तुम लोगों को किसी पिक्चर को लाने के लिए, या साइज टेस्ट लिखते समय उसकी साइज को सेट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब उनके बीच की दूरियां या उसकी साइज, मतलब छोटी बड़ी, छोटा बड़ा जो लिखने का तरीका होता है उसको सेट करने के लिए हम लोग वर्क स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो वर्क स्पेस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा रूलर बॉल। क्या नाम है, रूलर बॉल। इसके बाद हमारा है स्क्रोलर बार। इसका काम क्या होता है, इट इज द मूव द वर्ड स्क्रीन अप द डाउन टू द टेस्ट। It moves the word screen up or down, मतलब छोटा और बड़ा, मतलब नीचे और ऊपर करने के लिए हम लोग स्क्रोलर बॉल का प्रयोग करते हैं। मतलब अप और डाउन करने के लिए हम लोग स्क्रोलर बॉल का प्रयोग करते हैं। अप और डाउन और राइट और लेफ्ट, ये दोनों चीजों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग it moves the word, the word, word, screen, screen up and down to see the test। अब यहां हम लोग यहां पर एक छोटा सा ऑप्शन देखते हैं, यहां पे हम लोग छोटा सा क्या ना ऑप्शन देखते हैं, और यहां पर भी छोटा सा एक ऑप्शन रहता है। यहां पे हम लोग कि माउस के जरिए पेज को अगर ऊपर करना होता है तो ऊपर करते हैं, और नीचे करना होता है तो नीचे करते हैं। मतलब पेज को लेफ्ट भी करते हैं और राइट भी करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे दोनों हमारा
क्या होता है, स्कलर बॉल होता है, स्कलर बॉल होता है जिसकी सहायता से हम लोग पेज को ऊपर और नीचे करते हैं और लेफ्ट और राइट करते हैं। ये दोनों काम हम लोग स्कलर बॉल की मदद से करते हैं। अब इसके बाद है इंड लाइन मार्कर। इंड लाइन मार्कर, इंड लाइन मार्कर जो होता है, जैसे हमारे पेज पर एक लाइन दिखाती है, उस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इट इज द शो पॉइंट टिल वेयर यू कैन, यू कैन वेयर हैव द टाइप, टाइप जो हमारे लिखने के लिखते हैं, जो भी चीजें हम लोग वर्क पेज पर लिखते हैं, वर्क पेज पर लिखते हैं उनके पॉइंट, जैसे यहां पर एक बार दिखाता है, क्या दिखाता है बार, छोटा सा, इस तरह से हम लोग पेज को खोलेंगे तो पेज पर छोटी सी एक पहले क्या लाइन दिखाती है, लाइन को हम लोग अपने अनुसार से उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, उसको अपने अनुसार क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट करने के बाद उसकी दूरियां जो होती हैं बराबर होती हैं, उसकी दूरियां क्या करते हैं बराबर देते हैं। तो हम लोग यहां पर इंड इंड लाइन मार्कर, इंड इंड लाइन मार्कर, मार्क इंड लाइन मार्कर। तो यहां पे बोल रहा है इट शो द पॉइंट टिल वेयर वेयर यू हैव टाइप्ड, मतलब हमारे द्वारा जो चीजें लिखी जाती है, हमारे द्वारा जो चीजें लिखी जाती है उसको हम लोग पॉइंट के हिसाब से अपनी दूरियां सेट करते हैं। तो यहां पर इट इट शो, इट शो द पॉइंट पॉइंट टिल टिल वेयर वेयर यू है यू हैव टाइप्ड, इनकी दूरियां हमारे द्वारा सेट करने के बाद चलती हैं। अब इसके बाद है और यह जो होता है, यह टाइप करने, जैसे यहां पर दिया है कर्सर, अब इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, यह जो होता है यह टाइप करते समय, टाइप करते समय यह क्या होता है पीछे हटता हटते चले जाता है। जैसे हम लोग वर्डों को टाइप करेंगे, यहाँ पे बगल में हम लोग जैसे यहाँ पे राम लिखेंगे, राम लिखेंगे तो एक कर्सर हट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो होता है यह टाइपिंग करते समय यह धीरे धीरे क्या होता है खिसकता चला जाता है, खिसकता चला जाता है। तो यहां पर कर्सर 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 जो होता है यह इट इट सो इट सो द पॉइंट इट सो पॉइंट टिल इट सो सो द पॉइंट इट सो द पॉइंट वेयर यू हैव गोइंग टू टाइप वेयर वेयर यू आर गोइंग टू टाइप टू टाइप। अब हम बोले कि पॉइंट क्या होता है, जो कर्सर होता है, जब हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो वह धीरे धीरे खिसकता चला जाता है। अब इसके बाद ड्यू बटन, ड्यू बटन,
व्यू बटन्स, ये जो होता है वे शो द दे शो शो द फाइल इट डिफरेंट स्टाइल, यह जो होता है फाइल को अपने अलग तरीके से लिखने में सहायक होता है। यह जो दे दे सो सो द फाइल फाइल इन डिफरेंट डिफरेंट फाइल, यह फाइल जो होती है इसके जरिए हम लोग किसी भी फाइल को अलग तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम लोग फॉन्ट चॉइस करते हैं, फॉन्ट को चॉइस करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा आकृति आकृति जो होती है वह हम लोग अपने हिसाब से फाइल में देते हैं ना, उसी तरह से यह उसी का काम होता है। अब हम लोग कल नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।